खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव के, जहां मानव दुष्कर्म के अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। दिन प्रतिदिन हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं में सर्व समाज का सर शर्म से झुक गया है। बीते करीब एक साल में लगभग सैकड़ों बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। थाना माखी जनपद उन्नाव में आज 10 दिसंबर की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक 7 साल की बच्ची है उसके साथ बलात्कार की घटना आई है प्रकाश में, और जो अभियुक्त है वो 10 साल का एक बच्चा है। उसको पुलिस पूछताछ उससे करी जा रही है और आगे की तहरीर ले ली गई है, आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को मैं खेत पर गया था, 5:30-5:15 की बात है ये, और मैं जब खेत से वापस आया तो मुझे मालूम हुआ, मेरी घर वाले ने बताया मुझको कि ये प्रफुल्ल नाम का लड़का है, जो नंद किशोर का लड़का, पिता उसका नाम है, उसी ने शिवांग प्रफुल्ल, उसी ने मेरी बेटी खेल रही थी छत पर, वो छत के ऊपर से उठा ले गया उसी को, दूसरे की छत पे गलत काम किया है उसी के साथ। पुलिस सूचना मैं खुद आया यहाँ थाने पर मौके पर, और घर पे भी 100 नंबर मिलाया गया। बच्चे की उम्र कितनी होगी? 7 साल। आपके घर में एक घटना घटित हुई है बच्चे के साथ में, 7 साल की बच्ची के साथ, क्या पूरा मामला, कैसे पता चला आपको? पूरा मामला, हमारी बच्ची अटारी पे खेल रही थी, बगल वाला लड़का आया शिवान नाम का, तो वो जो है खींच के ले गया, कह ले तो हमारी बच्ची जो है रोने लगी, कह लगी जो है हमारे देवर की लड़की आई थी वो बताए, देखो अम्मी इसके क्या लगा है पैजामे में, तो हमने कहा क्या लगा है, हम बहुत अब सोच हो गई, तो कहने लगी, अब वो अपनी अम्मी से बताए, कह लगी इसके साथ में शिवान ने गलत किया। शिवान कौन है, कहाँ रहने वाला है? बगल वाला, पूरा निष्पंसारी। बाप का नाम क्या है? नंद किशोर। पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? पुलिस ने क्या किया? अबे कोई कार्रवाई नहीं की है। बच्चा कहाँ है आपका, बिटिया कहाँ है? हमारे तीर में, जिला अस्पताल में है। सर हम लोग ऊपर, देवरानी जेठानी लोग ऊपर बैठे काम कर रहे थे, गेहूं बना रहे थे काफ़ी देर तक, लेकिन बच्चा मेरे साथ नीचे यहाँ टीवी देख रहा था, फिर हमने उसको बुलाया ऊपर, कपड़े उतारे सब, नीचे करा बैठा बोल, फिर उसको कपड़े उतार के नीचे आया, फिर नीचे हमने उससे बोला कि हम ऊपर काम कर रहे हैं, तुम अपने कपड़े वपड़े सब उठा के रख लो, पापा आने का टाइम हो रहा, नहीं डांट पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि पापा से बच्चे डरते बहुत है मेरे। और हमने गए करो, तो बेचारे बच्चे ने जब हम आए तो वो कपड़े तहाता हुआ मिला हमको, फिर बोला मम्मी चाय बना, हमने कहा हम नहीं चाय बनाएंगे, तुम ही बना लो, तुमको ज़्यादा जल्दी पड़ी है। उसने चाय बना रहा था जब तक ये उसकी माँ ने बुलाया, कहती यहाँ आओ, हमने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, कभी कोई बिने बच्चे बुलाता नहीं, आज ये क्यों बुला रही, तो हमने कहा पड़ोस की बात हो, कोई मेहमान आ गया होगा तो उसको नाश्ता पानी के लिए बुलाया जा रहा होगा, कहने की सामान नहीं है भाई, गांव का माहौल है, तो जब तक देर हो गई नहीं आया, तो हमने पीछे वहाँ गए देखे, हमने कहा क्या शिवांग बड़ी देर लगा दी आया नहीं, तो कह तो उसकी मम्मी चिल्लाने लगी कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे बच्चे के ऊपर गलत आरोप लगाया गया है, बिल्कुल गलत है, ये लोग हमसे दुश्मनी अदा कर रहे हैं, कई बार मेरा आदमी ना किसी से बोलता, ना किसी के घर में जाता है, ना किसी के घर में भी, ना किसी से बिल्कुल बात ही नहीं करता, क्योंकि वो पड़ोसी हैं। हाँ ये पड़ोसी हैं, नाई ब्रदरी के हैं जी, मुस्लिम हैं, तो आपके पड़ोसी क्या इनसे कोई दुश्मनी चलती है आपकी, तो विवाह चलता है? नहीं विवाह तो ऐसे कुछ भी नहीं, अब ये लोग अपने मन में कुछ भी अब समझ रखी हो, दुश्मनी कभी रही हो मेरे आने से पहले तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमारे सामने कभी कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ, एक दो बार ऐसे छोटी मोटी बात हुई है तो हम लोगों ने अपने घर ही में ऐसे ही समझ लिया, हमने कहा हमें भी रहना तुम्हें भी रहना, जरा जरा सी बात तो लिए थाना चौकी पुलिस चौकी नहीं करते हम लोग अच्छे घर आने के। अच्छा, बेटा कहाँ है आपका? मेरा बच्चा थाने में है, उसके पिता उसकी वो भी वहीं पे है, सबको ले गए।